भगवान तथा सद्गुरुदेव आनंदमय हैं, उनका आनंद प्राप्त करना ही हमारा परम चरम लक्ष्य है। नित्यानंद प्राप्त करके ही हम सभी जीव आनंदमय हो सकते हैं। आज साधना शिविर का प्रथम दिन है। प्रथम दिन में साधना करने हम लोग आए हैं। श्री महाराज जी की एक रचना की व्याख्या करेंगे, साधना करो साधना करो साधना करो प्यारे, श्री महाराज जी की रचना है। उन्होंने क्या कहा है ये बात तो समझ में आ रही है, साधना करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन साधना क्यों करें और साधना से हमें क्या मिलेगा और साधना कैसे करें, ये सब तमाम बातें उन्होंने इस भजन के माध्यम से हम सभी लोगों को बताया है, जो बड़ा गूढ़ है। केवल ऊपर से हम लोग भजन पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर से शब्दों को रिपीट कर लेते हैं, कीर्तन रिपीट किया जा रहा है, किंतु किस पद्धति से हम कीर्तन करें, कीर्तन गाएं, साधना करें। यद्यपि ये सभी बातें हम लोगों ने अनंत बार श्री गुरुदेव कृपालु जी महाराज के मुखारविंद से सुना है, फिर भी आज तक क्रियात्मक साधना हम कर नहीं पाए। क्या मतलब? क्रियात्मक भक्ति साधना और उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु की शरणागति हम कैसे करें, भगवान का ध्यान कैसे करें, ये सभी बातें इस भजन में आया है। हम लोग इसको गाते भी जाएंगे और साथ साथ इसकी व्याख्या भी सुनेंगे। सभी लोग अपना अपना मोबाइल फोन आदि स्विच ऑफ रखेंगे। साधना करो साधना करो साधना करो प्यारे, साधना करो।
हरी रति प्यारे साधना से ही मिले तुही साध्य हरी रति प्यारे साध हरी रति प्यारे तथा सद्गुरुदेव उनका दिव्यानंद प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें साधना करनी है। वो साधना का मतलब क्या? दो प्रकार की भक्ति होती है, साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति। तुलसीदास जी ने कहा, साधन सिद्धि राम पगने हूँ। एक साधन भक्ति, एक सिद्धा भक्ति। जो असली भक्ति है वो है सिद्धा भक्ति, जो हमें गुरु की कृपा से प्राप्त होगी। एक दिन अंतिम कृपा होगी और गुरु के द्वारा हमें दिव्य प्रेम मिलेगा भगवान का, और उस भक्ति को यानी सिद्धा भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। साधन भक्ति, भक्ति यानी भगवान से प्रेम, वेदव्यास जी ने बताया, भज धातु सेवायाम परिकीर्तितः। भज धातु से तीन प्रत्यय होकर भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ है सेवा करना। सेवा, हम लोग संसार में भी सेवा करते हैं, माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो,
भाई बहन की सेवा करो, तो क्यों जी ये सेवा नहीं है? नहीं, ये सेवा नहीं है, यानी अंश अंश की सेवा कर रहा है। और हमारी परिपूर्णता किससे होगी? अंशी की सेवा करते हैं। हमारा अंशी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये जीव भगवान का नित्य दास है, नेचुरल दास है। किसी दिन हम भगवान के दास बन गए, आज हमें गुरु मिल गए, या भगवान की भक्ति करने लगे तो हम दास बन गए, ऐसा नहीं। हम सत्संगी बन गए हैं इसलिए गुरु जी के दास बन गए भगवान के, नहीं। सदा से ये जीव भगवान का नित्य दास है। दास भूत मिदं सर्वं जगत स्थावर जंगमं श्रीमन नारायणो स्वामी जगतां प्रभुरीश्वर। इसलिए अंशी की सेवा प्राप्त करना इस जीव का वास्तविक धर्म है, वास्तविक लक्ष्य है। वो जो भगवान है जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं, कैसे करें?